गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से आई एक वारदात, जहां एक सुपरमार्केट में 6 लोगों को चाकू मारकर जख्मी करने वाले आईएसआईएस से प्रेरित एक हमलावर को न्यूजीलैंड पुलिस ने मार गिराया। पूरे घटनाक्रम के बारे में प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन ने कहा कि हमलावर एक श्रीलंकी नागरिक था जो 2011 में न्यूजीलैंड आया था और वो आतंकी निगरानी सूची में था। ये शख्स ऑकलैंड में एक शॉपिंग मॉल में घुसा और एक शोरूम में घुसकर वहां डिस्प्ले में रखा चाकू उठा लिया और ताबड़तोड़ छुरा चलाने लगा। उस पर नजर रखने वाली पुलिस ने हमला शुरू होने के 60 सेकंड के अंदर ही हमलावर पर गोलियां चला दी और उसे ढेर कर दिया। जैसिंडा आर्डन ने कहा कि इस हमले में 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 3 की हालत काफी सीरियस है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कुछ भी हुआ काफी गलत हुआ, इस शख्स की काफी हिंसक विचारधारा थी और ये आईएसआईएस से प्रेरित था। इससे पहले मार्च 2019 में न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा आतंकी हमला क्राइस्टचर्च में हुआ था, जहां मस्जिद में भारी गोलीबारी हुई थी जिसमें 51 लोगों की हत्या हुई थी और 40 गंभीर रूप से घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।